भैंच में हुआ एक्सीडेंट। इस एक्सीडेंट में भगवान दास महात्मा की गई जान, जो कि राधेश्याम मंदिर में पहले पुजारी का काम करते थे, ये मोटरसाइकिल से आ रहे थे कि अचानक पीछे से गाड़ी ने टक्कर मारी और इसमें इनकी जान गई। आइए देखते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलिस से ये रिपोर्ट। आप देख रहे हो बड़ी ही हमारे लिए पुंछ के लिए एक बहुत ही दुखद घटना हुआ है कि हमारे महात्मा जी थे, उनका अभी अभी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है जिसमें वो उनके वीर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा सदमा है आज के दिन के लिए कि ये महात्मा जी पिछले बहुत वर्षों से यहाँ पे रह रहे थे और समाज में हर तरह की सेवा कर रहे थे, हर एक की सेवा में तत्पर रहते थे, हर यज्ञ भंडारे में ये तत्पर रहते थे। और हमारे समाज के लिए आज बहुत बड़ी क्षति है जिसका हम कभी पूरी नहीं कर सकते। और जैसे ही हमें अब अगला आदेश दिया जाएगा कि इनका संस्कार करना है या इनको समाधि देनी है, वो इनके जो इनके हेड आ रहे हैं, जो महात्माओं के हेड हैं, इनके जो परिवार के लोग आ रहे हैं, तो वो जब आएंगे तो उनके पास डिसाइड करके हम ये देखेंगे कि कल इनको समाधि देनी है या इनका संस्कार करना है। आज हमारे लिए बहुत ही समय दुख का पल है और ये हमेशा हमारे साथ रहे और हम भी इनके साथ निशाना निशाना रहेंगे। भगवान दास जी था, ये कुनिया के पास इनका एक्सीडेंट हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने पिछले 25-30 वर्षों में यहाँ पुंछ में बहुत लोगों का इलाज किया है, चाहे वो लकवे का था और हर तरह का इन्होंने इलाज किया। और यहाँ इनके जो दरबार था, इनके पास जो भी जाता था उनकी ये हर तरह से मदद करते थे और हर तरह से इलाज करते थे। हमारे लिए आज बहुत ही दुख का ये सदमे का दिन है कि हमने आज हमने खो दिया है। और जैसे इनका परिवार के जो महात्मा आएंगे तो जैसे वो हमें आदेश देंगे तो हम इनका पालन करने के लिए। मेरा नाम प्रिया दास जी। जो बाबा जी जो डेथ हुई है बाबा जी की, तो क्या कहेंगे इसके? दशमोहन का नाम भगवान दास, गुरु का नाम देवराह बाबा जी। ये जो है यहाँ काफ़ी समय से रहते थे, 15-20 साल हो गए इनके यहाँ सेवा करते करते, लोगों का इलाज भी करते थे फ्री में, किसी को लकवा हो, पैरालिसिस जो भी है उसका। और यहाँ राधेश्याम मंदिर में रहे और वहाँ शमशान के पास रहते थे। जी जी, तो वजह क्या रही इनकी डेथ की? इनके एक्सीडेंट जो हुआ था वो बताते हैं, वहाँ कल तो ये मैच करो यहाँ पास। जी जी, वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो रहने वाले कहाँ के थे? बाबा जी का क्या, जहाँ रहता वहीं है, बाबा जी का ठिकाना ये यहीं का एड्रेस था, यहीं रहते थे हम। इसी साथ तो आप क्या कहना चाहते हैं, गाड़ी वाले ने जो इनको हिट किया है, आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करेंगे? हम जो पुलिस से यही करेंगे कि भाई इनके लिए आपके जो होता है कानूनी है, तो ऐसे नहीं तो एक्सीडेंट किया तो उसका उनका उठा के दिलाना चाहिए, हॉस्पिटल लाना चाहिए था, उसको दिखाना चाहिए था। हो सकता है उनका सांस चल रहा था, वापस ही बात एक, लेकिन अब केयर नहीं की, काफ़ी समय तक वहाँ पड़े रहे,
जैसे डेथ हो गई तो इसमें तो शासन जो अपनी कार्रवाई तो करे। मैं डॉक्टर मोहम्मद परवेज, सर्जन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूंछ। जी सर बताइए, एक्सीडेंट हुआ इसके हवाले से? हाँ, ये अभी हमारे पास एक महात्मा जी, साधु महात्मा जी आए हैं, इनका एक्सीडेंट हुआ कहीं ये कुनिया के पास, कोई बस जो पता चला कि बस से हिट किया है, जिसे का जो हमारे पास जब पहुँचे तो ये रॉयल डैडी थे। हमने अपने कोशिश की रिससिटेशन करने की, उनके ब्लीडिंग भी हुई थी, नीचे से बना था, उनको स्टिच भी किया, ECG वगैरह करवाया, लेकिन डेथ की कॉज क्या रह सर, वजह क्या रही थी? मोस्ट लाइकली जो अभी हम ये तो एग्जैक्टली पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलता है ऐसे केसेस में, लेकिन ऐसा लगता है कि ये वहाँ पर जब एक्सीडेंट हुआ तो उससे सीवियर ट्रामा जो है, जिससे इंसान शॉक में चला जाता है, और कभी कभी इंजरी का इम्पैक्ट ऐसा होता है कि इतना टाइम नहीं मिलता कि इंसान हॉस्पिटल तक भी पहुंच पाए, और अगर पहुंच भी पाता है तो रास्ते में या इतना वक्त गुजर गया होता है कि वो डिले हो गया होता है, तो मोस्ट लाइकली शॉक ही है और उससे है अरेस्ट हो गया। नाम क्या सर इनका? इनका नाम था भगवान दास, इनके वालिद शायद उनका दिनेश बाबा, ये कहीं राधा श्याम मंदिर है वहाँ पर पुजारी है, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई, लेट्स सी कि आगे पोस्टमार्टम वगैरह होंगे।